हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली पूरे एक साल के बाद। तो कोविड के पहले और इस समय क्या क्या चेंजेस आए हैं ट्रैवलिंग को लेके, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। फ़िलहाल तो मैं अभी इस समय हूँ रिपब्लिक ऑफ डोंबिवली, मीन्स डोंबिवली स्टेशन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे मेरे पीछे। और अभी मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा घाटकोपर के लिए और फिर वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा। तो गाइस, ट्रेन आ चुकी है, मुझे फटाक से भागना पड़ेगा। तो ट्रेन में बैठ के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं थाने स्टेशन। यहां से अब मुझे 10 मिनट और लगेंगे घाटकोपर पहुंचने के लिए। फिर घाटकोपर पहुंच के मैं आपसे बात करता हूं। सो फाइनली मैं घाटकोपर स्टेशन पहुंच गया हूं और कितना खाली प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है हम लोगों को। एक मुंबई कर को इससे ज़्यादा खुशी आई डोंट थिंक सो कि कोई और चीज़ में होगी कि इसे इतनी खाली लोकल ट्रेन और ऐसा प्लेटफॉर्म देखने को। तो गाइस, अभी मैं घाटकोपर स्टेशन पे पहुंच गया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अभी कोई भी नहीं है यहां पे, कोई पैसेंजर आपको नहीं दिखेगा। इतनी सुबह सुबह मैं आया हूं। अब यहां से मैं लास्ट टाइम की तरह फिर से रिक्शा करूंगा एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट पहुंच के आपसे बात करता हूं। तो हे गाइस, अभी मैं रिक्शे में बैठा हूं और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी अगर यहाँ से घाटकोपर से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप रिक्शा ही प्रिफर करो। ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा ज़्यादा देन मेट्रो। सो गाइज़, मैं अभी खड़ा हूँ JW मैरियट के जस्ट सामने। और अगर आप घाटकोपर से रिक्शा करते तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको एकदम एयरपोर्ट के नज़दीक छोड़ता है। और देखेंगे आप यहाँ से कि जस्ट बगल में है। और जैसे मैं ये शॉट ले रहा था, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, इसने मुझे मना किया कि मैं और फुटेज नहीं ले सकता, अदरवाइज़ मेरा फ़ोन जब्त हो जाएगा। तो गाइस, अभी सीन ये है कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मुझे यहाँ पे व्लॉग करने के लिए मना किया गया है। तो आई डोंट थिंक कि मैं अभी ज़्यादा व्लॉग कर पाऊँगा। तो जितना भी होता है पॉसिबल, मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगा कवर करने के लिए। सो हे गाइस, अभी मैं इस लिफ्ट में हूँ। एज यू कैन सी, कितना बड़ा लिफ्ट होता है ये एयरपोर्ट का। सो हे गाइस, देखिए मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ। और अगर आप यहाँ पे आ रहे तो और व्लॉगिंग करनी है, आपको वीडियो शूट करना है, फ़ोटो निकालना है, तो सबसे बेस्ट प्लेस आपको जो दिखेगा वो ये है। लास्ट टाइम भी मैंने यहीं से जो भी कुछ थोड़े बहुत शॉट्स लिए थे वो यहीं से थे। तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस है आपको अगर फ़ोटो वीडियो व्लॉगिंग कुछ भी करने का है तो। तो जैसा आप लोग देख पा रहे, कितनी ज़्यादा भीड़ है मॉर्निंग फ्लाइट के लिए। और ये है बाहर का नज़ारा जहाँ हमारा एयरक्राफ्ट पार्क्ड है। फ़िलहाल हम लोग अभी एरो ब्रिज पर खड़े हैं और जो भीड़ है वो वैसे की वैसे ही है। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको अपने मील के बारे में बताता हूँ कि उसमें क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले ये है महक सिल्वर कोहिनूर। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक अमूल बटर का पैकेट है और एक वुडन नाइफ और स्पून कम फोर्क भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंक्लूड है एक मसाला डोसा, कांजीवरम इडली और अनियन उत्पम, साथ में एक फ्रेंच ब्रेड भी है और कुछ इस तरीके की पैकिंग में ये आया था। सो गाइस, खाने के बाद अब बात करते हैं इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की, जिसके लिए स्पाइसजेट ने एक नई सर्विस
स्टार्ट की है जिसका नाम है स्पाइस स्क्रीन। इसमें क्या आप उनके वाईफाई कनेक्शन से इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे जो हैं उनकी तरफ से मूवीज़, टीवी शोज, वेब सीरीज़, किड्स के लिए न्यूज़, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगे और ये अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं सर्विस को, मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं किसी और वीडियो में भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इन कंट्रोल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको आपके ओवरहेड बिन के नीचे देखने को मिल जाएगा और ये एंटायर रो में आपको देखने को मिलता है हर एक सीट के ऊपर। और इनके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स है मैं आपको थोड़े क्विक डिटेल्स में इसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस नो स्मोकिंग साइन की जो कि क्लियरली विजिबल भी है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड भी है। आई एम श्योर कि आप भी समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि आप इन फ्लाइट स्मोक नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लाइट अटेंडेंट कॉल बटन या फिर जिसे क्रू कॉल बटन भी कहते हैं जो कि आपको लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में ऊपर देखने को मिलता है। आप जैसे इसे प्रेस करते हैं उसके जो बगल में लाइट है वो जलने लगती है जिससे क्रू को पता चल जाता है कि किसी पैसेंजर को असिस्टेंस की ज़रूरत है और वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाते हैं जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए उसे प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं, आप देख रहे हैं नीचे एसी वेंट्स और लाइट्स दी गई हैं जो कि एक अल्टरनेट फॉर्मेशन में प्लेस्ड है। तो ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ये एसी वेंट्स है और उसके बगल में क्लियरली विजिबल है ये लाइट्स है जिसे आप प्रेस करके ऊपर देख रहे हैं। लाइट के ऊपर बटन से तीन जिसे आप प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और एसी वेंट्स में एक सर्कुलर डायल है जिसे आप रोटेट करके ऑन या ऑफ करके एसी को यूज़ और कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों एक और साइन रह गया था जो कि है सीट बेल्ट का साइन जो कि अभी आपको देख रहे हैं क्लियरली विजिबल है, ऑन है। इसका मतलब आपको आपकी सीट बेल्ट पहननी है और ये खाली टेक ऑफ और लैंडिंग के समय में ही ऑन होता है। और ठीक बगल में आपको इमरजेंसी जो है एग्जिट डोर्स वो देखने को मिल जाएंगे और इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। हाँ तो गाइस अब मैं फाइनली लैंड कर चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। एज यू कैन सी अभी मैं एरो ब्रिज पे खड़ा हूँ और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो पहले के हिसाब से बहुत ही कम जो आपको भीड़ देखने को मिलेगी एयरपोर्ट पे। पूरा एयरपोर्ट जो है वो खाली खाली देखने को मिल रहा है। अब चलिए एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं और व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये वो एरिया है जहाँ से आप अपना लगेज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और सामने आपका ढेर सारी जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। इन्हीं के ऊपर आपका जो लगेज है वो रोटेट करता रहता है। आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और आपको ये ट्रॉलीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपना लगेज को कैरी करने के लिए। हे गाइस फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं और जितना भी पॉसिबल था मैंने पूरी कोशिश की है कि वो रिकॉर्ड करके आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। और जैसा कि आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में देखा था कि इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था रूल, बहुत रिकॉर्ड करने के लिए नहीं दे रहे थे CISF और जो भी सिक्योरिटी एयरपोर्ट सिक्योरिटी, बट फिर भी जो भी पॉसिबल था मेरी तरफ से मैं पूरा ट्राई किया कि आप लोगों को वो एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और आई होप कि आप लोगों को जो भी ये छोटा सा वीडियो व्लॉग जो था पसंद आया होगा। और बस आज की इस व्लॉग में इतना ही और मैं मिलूँगा आपको किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डू व्हाट यू लव व्हाट यू डू। थैंक यू।